सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपनों पर भी उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। प्रकाश बांटने से चिरागों की रोशनी कम नहीं हो जाती। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपके औकात देती है और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। आज का पंचांग 8 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, सुबह 9:38 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र दोपहर 12:33 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:38 से 2:57 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:39 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर रात्रि 1:44 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। मकर राशि 8 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार, मकर राशि वालों के लिए दिन काफी अच्छा रह सकता है। दरअसल आज आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। व्यापारिक सहभागियों की सलाह कार्य क्षेत्र में आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। कार्यों का बोझ बढ़ता हुआ रहेगा। छात्रों को मनचाहे परिणाम हासिल करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अधिकारी वर्ग तथा सहयोगियों का समर्थन प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति आज मध्य रहेगी। पारिवारिक खर्चे बढ़ेंगे लेकिन आपको परिवार के लिए किसी महिला सदस्य से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। यदि विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सुखद समाचार प्राप्त होंगे। पिता के पूर्ण सहयोग व आशीर्वाद प्राप्त होगा। परिवार के किसी सदस्य से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। दिन के उत्तरार्ध में पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में व्यस्त रहेंगे। आपको आज भावनात्मक और वित्तीय दोनों तरह का नुकसान हो सकता है। हालांकि आप आसानी से इससे बच भी सकते हैं अगर आप उन लोगों से दूरी बना ले जो अपने फायदे के लिए आपको जबरदस्ती इन चीजों में घसीटना चाहते हैं। आज के दिन आराम के लिए बिताएं और अपनी उन घावों को भरने की कोशिश करें जो पिछली बातों से आपको मिली हैं। आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। आपके अपने परिजनों से लंबे समय के बाद मुलाकात हो सकती है। सावधानियां, आप अपने किसी मित्र की सेहत को लेकर चिंतित रहेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में आपको थोड़ा संभल कर काम करना होगा। आप आर्थिक उपलब्धियों को लेकर यदि परेशान चल रहे हैं तो उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। यह अपने रिश्ते को मजबूत और घावों को भरने का समय है। ग्रह इस तरह से पक्ति बंध है कि आपको यह एहसास होगा कि पुरानी बातों को भूलकर आगे की तरफ बढ़ना है और अपने पुराने रिश्ते और अपनी जिंदगी को और मजबूती देनी है। आपके जो भी मुद्दे और शिकायतें थीं, उनका आपको एहसास होगा कि उनकी वजह से आपके रिश्ते में कितनी खटास आई थी जो कि आपने जरूरत से ज्यादा उठाए थे। बात करते हैं करियर की। जो लोग अध्ययन में कार्यरत हैं, उनकी मेहनत का फल पाने के लिए ये एक अच्छा समय है। यही चीज काम कर रहे पेशेवरों के लिए भी लागू होती है। सफलता और प्रशंसा आपको मिल सकती है लेकिन अगर आपने कोई निवेश किया है तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए निवेश की योजना को आज ठंडे बस्ते में डाल दें और शुभ समय का इंतजार करें। बात करते हैं सेहत की। आप पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य की एक छोटी सी लेकिन लगातार बनी रहने वाली समस्या से परेशान हो रहे हैं। आज कोई आपकी इस समस्या के लिए आपको कोई वैकल्पिक समाधान सुझाएगा और आप इसे आजमाएंगे। इस बात की काफी संभावना है कि यह तरीका सफल होगा और आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। इसे आप वैकल्पिक चिकित्सा में अच्छा खासा विश्वास करने लगेंगे और आपके मामले में आक्रामक इलाज से कोई विशेष फायदा होने भी नहीं वाला। आज का उपाय, आज भगवान विष्णु जी की पूजा करें शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।